अब चंद मिनटों में बनाइए ये ढाबा स्टाइल तवा चिकन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप सभी का स्वागत है फूड फोल्डर्स चैनल में। ढाबा स्टाइल तवा चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है और मेरे पास यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें एक छोटा चम्मच जीरा है, एक छोटा चम्मच साबुत धनिया, तकरीबन 5 से 6 लाल मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 छोटी इलायची, और मैंने यहाँ एक छोटा चम्मच हल्दी का भी इस्तेमाल किया है और तकरीबन 6 से 7 लहसुन के टुकड़े। और हमें यहाँ एक मीडियम साइज़ के प्याज की भी ज़रूरत है। प्याज को भी हम पतला पतला स्लाइस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने तवा चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने खड़े मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि मसालों में हल्का सा रोस्ट फ्लेवर भी आए और उनके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी बाहर आए। ये देखिए, हमारे खड़े मसाले भी अच्छी तरह भून चुके हैं। तो अब हम इसको एक ग्राइंडर में डाल लेंगे और अब हम इसमें लहसुन मिलाएंगे और अब हम इसको अच्छी तरह पीस लेंगे और हमें इसे हल्का सा दरदरा रखना है। ये देखिए, हमारे तवा चिकन का मसाला एकदम तैयार हो चुका है। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हमें पीसना है इसको। तो आइए बढ़ते हैं हमारे चिकन की तरफ। तो चिकन को पकाने के लिए एक पैन में मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच तेल के मिलाऊंगा, और जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें प्याज मिलाएंगे और प्याज को हमें अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेना है। पहले प्याज को पकाते टाइम हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है, ताकि प्याज अंदर से भी कुक हो और बाहर से भी इनमें इक्वली कलर आए। ये देखिए, हमारे प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें फटाफट चिकन ऐड करेंगे। और जैसे ही हम इसमें चिकन मिलाएंगे तो हमें गैस को थोड़ा तेज़ कर देना है, ताकि चिकन पे अच्छा सा भुना हुआ कलर आना शुरू हो। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट धीमी आंच पे अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखिए, हमारा चिकन भी अच्छी तरह स्टीम हो गया है। और अब हम इसमें बिना देरी किए हल्दी पाउडर मिला देते हैं। हल्दी पाउडर मिलाने के बाद हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है एक बार, ताकि सारे चिकन पे अच्छी तरह हल्दी का कलर आए। और एक और बार हम इसे ढक के तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह तेज आंच पे पका लेंगे। ये देखिए, हमारे चिकन ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी से हमारी बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी बनेगी। तो अब हम इसमें फटाफट अपने मसाला मिला देते हैं, जो हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन काफ़ी हद तक पक चुका है। तो ज़्यादा तेज़ हिलाने पे हो सकता है चिकन टूट भी जाए। तो हम इसे हल्के हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे एक बार। हमारा चिकन भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन भी एकदम तैयार है। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा तवा चिकन भी एकदम तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर हल्की सी धनिया की गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।